नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत सावल, आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, बिहार राज्य के अंदर भूमि सर्वे होना है, जिसके बारे में कल ही आपने सुना होगा कि भूमि सुधार मंत्री ने यह घोषणा किया है कि 3 महीने के लिए इसको टाल दिया गया। आपको बता दें कि कल ही यानी कि 23 सितंबर 2024 को पटोरी अनुमंडल का घेराव करना है, और कौन सी मांग के लिए करना है काफ़ी ज़रूरी है, और ये सरकार ने 3 महीने की जो घोषणा की है ये क्यों की है, इसकी सारी हकीकत बताने वाला हूँ। कोशिश कीजिएगा इसको देखिए, क्योंकि जो सरकार के द्वारा जो भूमि सर्वे किया जा रहा है उसमें काफ़ी गड़बड़ी है, और इसके इस गड़बड़ी को अगर ठीक नहीं किया गया, 3 महीना के आपको 6 साल का भी समय दे दे और उसके बाद भी करे तो आपके साथ काफ़ी नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि अभी हमने 16 सितंबर 2024 को धमोन के निरंजन स्थान में एक मीटिंग किया था, और भूमि सर्वे से परेशान लोगों का एक मीटिंग था, और सभी लोगों ने मिलकर के फैसला किया कि कल यानी कि 23 सितंबर 2024 को अनुमंडल घेराव करेंगे और सरकार को मांग भेजेंगे। हालांकि अल्टीमेटम हमने सरकार को भेज दिया है, और उसमें जो मुख्य तरह से जो हमारा मांग है वो ये है कि जो सरकारी रिकॉर्ड में आपका ज़मीन का जो भी है डिटेल है उसको सरकार के द्वारा अपडेट किया जाए, क्योंकि आरटीए में एक जवाब दिया गया है कि बिहार के अंदर 2 सर्वे हुआ था, एक आज़ादी से पहले और दूसरा रिविजनल सर्वे। तो कहने का मतलब जो रिविजनल सर्वे है उसके मान्यता से संबंधित कोई सरकार के द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जबकि इसके आधार पर कई जगहों पर दाखिल खारिज भी हुआ है, ज़मीन खरीद बिक्री भी हुआ है। अगर उसको रद्द नहीं किया गया और उसके बाद सर्वे कर दिया गया तो आपके आपस में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो जाएंगे जिससे कि हो सकता है कल को आपको ज़मीन से भी हाथ धोना पड़े, और उसकी जानकारी हमने पीछे जाकर के दी है, उस आरटीए का कॉपी भी दिया है, जाकर के देखिए। और हमारे आंदोलन से सरकार डर करके 3 महीने का समय दे रही है, और सरकार के द्वारा ये मौखिक रूप से कहा गया, इसका कोई आदेश नहीं जारी हुआ है। कल ही मंत्री जी ने कहा है कि 3 महीने लोगों को कागज़ खोजने के लिए दे रहे हैं, जबकि हमारा मांग क्या है एक बार गौर से सुनिएगा। हमारा मांग है पहले वो अपना डिटेल अपडेट करें, अपडेट करने के बाद जो हमारा पेपर है, खतियान है, वो हमें उपलब्ध कराए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का पुराना जो खतियान है वो मिल ही नहीं रहा है। उसको मिलने के बाद कम से कम हमें कागज़ इकट्ठा करने के लिए कम से कम 2 साल का समय दे, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, कोई विदेश में रहता है, कोई दूसरे राज्य में रहता है, कोई नौकरी करने के लिए गया है, कोई सेना में गया है। ऐसी स्थिति में अगर युद्ध स्तर पर 1 दिन में या 2 महीना या 3 महीने का समय दीजिएगा तो ज़रूरी नहीं वो व्यक्ति आकर के अपना कागज़ यहाँ ढूंढ सके, और हम कहाँ से ढूंढेंगे। आपको हमें कागज़ उपलब्ध कराना है, ऑनलाइन कागज़ उपलब्ध कराना है पोर्टल के माध्यम से, ताकि जो लोग भी चाहे उस पर डाउनलोड क्लिक करके और वो पेपर डाउनलोड कर ले और उसके बाद सर्वे में भाग ले। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ, एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा। और सभी लोगों से अनुरोध है जो कि पटोरी अनुमंडल क्षेत्र के आसपास के हैं, जो लोग भी हैं कल पटोरी अनुमंडल पे अधिक से अधिक संख्या में आए, क्योंकि न केवल हम एक प्रोटेस्ट करके सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में बिहार के अंदर इलेक्शन है, और ये चेतावनी के साथ एक रिटेन पब्लिक पिटीशन भी भेजेंगे, जिसमें कि हमारा जो मांग है और आप लोगों ने जो सजेस्ट किया है वो सारा लिखा हुआ है, और सभी लोगों के साइन से वो सरकार तक जाएगा ताकि सरकार उस पर अमल करे। इसके साथ ही विदा लेता हूं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद।